जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि राहें भले ही मुश्किल हो, कि राहें भले ही मुश्किल हो तुम हिम्मत से काम लेना, कि राहें भले ही मुश्किल हो तुम हिम्मत से काम लेना, एक दिन ये दुनिया चाहेगी अपने साथ तुम्हारा नाम लेना। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास को आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जी हाँ, जीवन की उत्पत्ति हुई है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, इसमें ये पूछा है। बताओ देखें, क्या पहाड़ियों पर, या भूमि पर, या जल में, या वायु में? बताओ देखें कमेंट सेशन में। कॉपी और पेन हाथ में ले लो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हाँ बिल्कुल, जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे, आपको बहुत बार बता भी है। पावर हाउस या शक्ति ग्रह, बहुत बार बताया इस क्वेश्चन का। बताओ देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या, गोल्जी का है, न्यूक्लियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? बताओ देखें। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास में पहले भी पूछा गया था, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आर्मी में भी जो आपके एग्जाम हुए उसमें 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए एक बार वापस इसे ऐड किया है ताकि आपके ध्यान में रहे ये क्वेश्चन कि क्या क्या वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ देखें, थियामिन, निकोटिक अम्ल, बायोटीन या एस्कोर्बिक अम्ल? जैसा कि आपको पता है, हमने 3 बार पहले भी इसका आंसर आपको बता दिया है इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर था एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य में नाड़ी की गति होती है। बताओ देखिए, सामान्य पुरुष में जो नाड़ी की गति होती है वो कितनी होती है, यह पूछा है। 70 से 80, 120 से 80, या 15 से 16, या इनमें से कोई नहीं पूछा है? बताओ देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर है 70 से 80। नेक्स्ट नेक्स्ट में पूछा गया है कि रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर को मापने वाला यंत्र आर्मी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। बताओ देखें, हीमोग्लोबिन मीटर, स्टेथोस्कोप, या स्पेग्नोमेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा स्पेग्नोमेनोमीटर। और हृदय की धड़कन को जिससे डॉक्टर सुनते हैं, हृदय की जो ध्वनि होती है उसको सुनने के लिए किस यंत्र का काम में लेते हैं? स्टेथोस्कोप। और जो हृदय है उसमें जो ध्वनि आती है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, इन अलिंद और नीले के जो कपाट आपस में चिपते हैं, इनकी आवाज़ कैसी आती है? जो जिस आवाज़ को डॉक्टर सुनता है वो आवाज़ कौन सी होती है? लबडब। जो कपाटों के आपस में चिपकने और फूलने पर आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? 2 बार क्वेश्चन पूछा है इसको, पहले भी पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है इसको। बताओ देखें, क्या सफेद, लाल, बैंगनी या हरा? बताओ देखें सबसे पहले इसका कौन आंसर देता है। आंसर वही है, केवल क्वेश्चन को घुमाया है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा बैंगनी। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था, कि जो अंतिम बार मुगल शासक था वो कौन था, यह पूछा है इन्होंने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही रही, राइट आंसर इसका बहादुर शाह जफर। ठीक है, नेक्स्ट, कि राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, अभी तक पूछा नहीं है, 17 से एग्जाम चालू है उसमें, पर आर्मी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। बताओ देखें, कितनी तिल्लियां होती है? 20 होती है, 24 होती है, 16 होती है या 32 होती है? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या आता है। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 24। ठीक है, नेक्स्ट,
सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ है, कि सप्तवर्षीय जो युद्ध था वो किन देशों के बीच में हुआ है, ये पूछा है। बताओ देखें, क्या टर्की ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ है, या इंग्लैंड फ्रांस के बीच में हुआ है, या फिलिस्तीन इसराइल के बीच में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें, सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है? जी हाँ बिल्कुल, बताइए देखें, बताओ देखें, देखते हैं सबसे पहले इसका कौन आंसर देता है, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। जी बिल्कुल, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। उत्तर में अगले क्वेश्चन का देखते हैं एक बार रुक, कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, उसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किस किस का सही होता है, साथ में इसका भी आंसर दीजिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। बताओ देखिए, हॉकी का जादूगर कौन है, या किसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और साथ में उस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, सप्तवर्षीय युद्ध किस देशों के बीच में हुआ था, बताइए इसका भी आंसर जरूर दीजिए अपने अपने कमेंट में, क्या टर्की ऑस्ट्रिया के बीच, या इंग्लैंड फ्रांस के बीच, या फिलिस्तीन इसराइल के बीच, या इनमें से कोई नहीं? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेशन में इसका आंसर देते रहिए, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है, कौन कौन इसका सही आंसर देता है, साथ में यही इसका भी आंसर देना है, कि हॉकी का जादूगर कौन है, इसका भी आंसर साथ में दीजिए, कि हॉकी का जादूगर, बताओ देखें, क्या ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्या सेलारम को कहा जाता है, या टक्काराम को कहा जाता है, या राकेश को कहा जाता है? बताओ देखें, अंतरिक्ष में जाने वाला इंसान था, राकेश शर्मा नाम था, भारत की तरफ से प्रथम अंतरिक्ष यात्री। बताओ देखिए, हॉकी का जादूगर आप ही को पता है कौन है? ध्यानचंद। राइट आंसर क्या है इसका? ध्यानचंद। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का जो अकबर है वो किसे कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखना, बताओ देखे कमेंट सेशन में कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, देखते हैं सबसे पहले कौन। जी हाँ, बताओ देखिए, अलाउद्दीन को, जैनुल अब्दीन को, या समुद्रगुप्त को, या कोई नहीं? बताओ देखें। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा जैनुल अब्दीन। नेक्स्ट, राउफ नरते किस राज्य से संबंधित है, कि राउफ नरते है वो किस राज्य से संबंधित है, बताओ देखें, क्या जम्मू कश्मीर से है, पंजाब से है, या कर्नाटक से है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें कौन इसका आंसर देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, राउफ नरते है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कि राउफ नरते है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, राउफ नरते जो आर्मी में बहुत बार पूछा जा चुका है, कि राउफ नरते किस राज्य से संबंधित है, इसको छाप लेना आप। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, बताओ देखे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, बताओ देखे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, बताओ देखे, क्या खड़गवासला में है, नागपुर में है, देहरादून में है, या अड़ियार में है? बताओ देख। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है, या कौन थी, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, बताओ देखें, क्या राधाबाई सुब्रयण, या मीरा कुमारी, या किरण बंदी, या अन्ना जॉर्ज? बताओ देखें। जी बिल्कुल, राइट आंसर होगा इसका राधाबाई सुब्रायण। नेक्स्ट, अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, क्या लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड कर्जन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, बताओ देखें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पहले छप चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल आर्मी का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मानो,
कि एग्जाम में आने वाला 100% कि भारत का सबसे बड़ा जिला, इन ऑप्शन में बताओ देखें कौन सा है, क्या जयपुर है, क्या लद्दाख है, या बम्बई है, या सभी, बताओ देखें चार ऑप्शन में से। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय स्मारक, भारत का है जो राष्ट्रीय स्मारक में सम्मिलित है वो कौन है इनमें, क्या ताजमहल है, क्या हवा महल है, या जल महल, या सभी, बताओ देखिए सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है, देखते हैं बिल्कुल, देखते हैं कमेंट सेशन में सबसे पहले कौन आंसर देता है। जीके के क्वेश्चन कुछ आते इजी है पर घुमावकर भी आते हैं कई क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन भी करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ताजमहल। नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन सा उपग्रह है, कि निम्न में से कौन सा उपग्रह है, बताओ देखें, पृथ्वी, चंद्रमा, शनि, या मंगल, बताओ देखें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर था चंद्रमा, जो एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट, बताओ देखें कि अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छाप लेना कि अल्जाइमर रोग है वो किससे संबंधित है, बताओ देखें, क्या हृदय से है, मस्तिष्क से है, या गुर्दे से है, या फेफड़ों से है, बताओ देखें कमेंट सेशन में छाप के। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट, अगला पूछा है कि धोने के सोडे का प्रचलित नाम, कि धोने का सोडा है उसका प्रचलित नाम बताओ देखें, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं, देखते हैं सबसे पहले इसका कौन आंसर देता है। जी हाँ बिल्कुल, NaOCH3, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट धोने का सोडे। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब नापने में काम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी हम इन क्लासों में जो आने वाले एग्जाम है आर्मी की दृष्टि से 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही इंक्लूड करते हैं, पर जो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं उनको एक बार कॉपी में लिख लिया करें, ताकि एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें कि वायुमंडलीय दाब को मापने में काम में आता है, क्या आता है, स्टेथोस्कोप, बेरोमीटर, हाइड्रोमीटर, या एमीटर, बताओ देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब को नापने में काम में आता है, बताओ देखें। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा बेरोमीटर को, स्टेथोस्कोप का आपका पहले ही बताया था कि डॉक्टर के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, बेरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम किस देश का व्यक्ति उतरा था, बताओ देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्या अमेरिका का उतरा था, क्या भारत का उतरा था, या रूस का उतरा था, या जापान का उतरा था, बताओ देखें कौन बताता है इसका। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े शहर या बड़े बड़े देश है उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि कौन से शहर या कौन सी नदी या कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर बताओ देखें, क्या गंगा होगा, क्या यमुना होगा, या सरयू होगा, या सरस्वती होगा, बताओ देखें। जी हाँ, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसा है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व है उसका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये इसने पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, क्या सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, या कालाहारी, या इनमें से कोई नहीं, बताओ देखिए। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट, विद्युत का कुचालक है, इसमें पूछा है कि विद्युत का कुचालक है वो क्या है, बताओ देखें, क्या चांदी है, कागज है, या ग्रेफाइट है, या इनमें से कोई नहीं, बताओ देखें। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कागज,
कागज है जो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, ये इसने पूछा है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। क्या नागार्जुन है, क्या मानस है, या पेंच है, या कार्बेट है, बताओ देखिए इसका राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन। नेक्स्ट, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी कब चली थी, भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो कब चली थी, ये पूछा है, बताओ देखे सबसे पहले इसका राइट आंसर। क्या जनवरी 1948 में चली थी, या अप्रैल 1853 में चली थी, या मई 1853 में चली थी, या अप्रैल 1852 में चली थी, बताओ देखे इसका राइट आंसर देखे। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1853, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सामान्य श्वसन दर है, मानव का जो सामान्य श्वसन दर है वो कितना है, इसमें पूछा है कि 40 बार पर मिनट, 16 बार पर मिनट, या 72 बार पर मिनट, या 100 बार पर मिनट, ये पूछा है, बताओ देखे कमेंट सेशन में। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है दिमाग पे जोर डालने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, बताओ देखे। जी हाँ, इस ऑप्शंस के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 16 बार, औसतन वैसे होता कितना है 16 बार से 18 बार पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है, या कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, बताओ देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या 47 होती है, या 56 होती है, या 57 होती है, बताओ देखें, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 46। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्रों की पाई जाती है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्रों की पाई जाती है, 23 जोड़ी गुणसूत्रों की पाई जाती है। ठीक है, और कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत की खोज किसने की थी, बहुत बार आर्मी में पूछा जा चुका है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया, कमेंट सेशन में आंसर दीजिए, देखते हैं इसका सही सही आंसर क्या आता है, और पहले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या क्या आता है, देखते हैं, देखिए वो क्वेश्चन आपके लिए है उसका आंसर कमेंट सेशन में देखे बताना, देखते हैं उनका आंसर कौन कौन सही सही देता है। भारत की खोज किसने की थी, देखते हैं, क्या हेनरी ने की थी, या कोलंबस ने की थी, या जॉर्ज ने की थी, या वास्को डी गामा ने की थी, बताओ देखें। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं एक बार अपनी कॉपी में उतार लिया जाइए, आर्मी की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने भी जो शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे अपनी क्लासों में से ही पुट अप हैं, और आशा करते हैं जो आपके आगे की क्लासें होंगी वो भी क्वेश्चंस आगे वाले जो आपके एग्जाम होंगे उनमें पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपसे बार बार यही कहा जाता है कि इन क्लास को बार बार देखा जाइए, और जो आपको राज्यपाल के बारे में बताया कि जितने भी राज्यों के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राजधानी है, या किस नदी के किनारे बसा है, इन सबको देखना एक बार जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।